हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट्स लेक्चर नंबर 11 टुडे. सो इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट कंट्रोल ऑफ गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स एंड सम मेथड्स लाइक एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. सो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ. ठीक है, आई होप कि आपको अब अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और किस तरीके से कौन कौन सी डिवाइसेस हमने उसमें पढ़ी हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, एयर से रिमूव करने के लिए और एयर को क्लीन करने के लिए, वो डिवाइसेस हम उसमें देख चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडेंसेशन. जैसे हमने एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन पढ़ा, वैसे ही कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जो एयर को प्यूरीफाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, और डिफरेंट डिवाइसेस जो इसमें यूज़ होती हैं वो हैं हमारे पास सरफेस कंडेंसर एंड कॉन्टैक्ट कंडेंसर. ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे कि हमारे पास कंडेंसेशन क्या होता है और ये कंडेंसर्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से एयर को प्यूरीफाई करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो कंडेंसेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस स्ट्रीम को कंडेंसर में एंटर किया जाता है और वहाँ कोल्ड वाटर वाटर की वजह से उस गैस को ठंडा किया जाता है. मतलब क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है वहाँ पे, कंडेंसेशन और जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और हमें मिल जाती है फ्रेश एयर. ठीक है, अभी मैं कंडेंसेशन प्रोसेस एक वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप सब. ध्यान से देखना, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कंडेंसेशन कहाँ देखते हो वो देखो. सो ये था आपके पास कंडेंसेशन प्रोसेस. आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अब हम कंडेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे पास कंडेंसर, देखो स्टीम कंडेंसर एक ऐसा कंडेंसर, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होती है. स्टीम कंडेंसर्स की बात कर रहे हैं कि ऐसी मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम टर्बाइन से आने वाली स्टीम को, एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में बदल सकते हैं. मतलब क्लीन वाटर में या फिर क्लीन एयर में हम उसको बदल सकते हैं. ठीक है, कि वो जो किसके थ्रू, एक प्रेशर के थ्रू, एक्टिव प्रेशर मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, अब देखो कि क्या होता है, हमारे पास स्टीम कंडेंसर्स ही होते हैं, ये जितने भी कंडेंसर हैं हमारे पास ये स्टीम कंडेंसर्स होते हैं. ठीक है, अब स्टीम कंडेंसर्स में क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ कूलिंग एक्शन इन कंडेंसर्स को हमने दो में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से, फर्स्ट आ गया सरफेस कंडेंसर्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट कंडेंसर, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक, सरफेस कंडेंसर्स और कॉन्टैक्ट कंडेंसर्स. कॉन्टैक्ट कंडेंसर जेट कंडक्टर्स ही, सॉरी कंडेंसर्स ही होते हैं. मतलब कि इनको कॉन्टैक्ट कंडेंसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो एयर स्ट्रीम रहती है और जो वाटर रहता है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए उनको कॉन्टैक्ट कंडेंसर्स कहा जाता है. उसमें क्या कहते हैं उसको, मिक्स टाइप कंडेंसर कहा जाता है. ठीक है, जो एग्जॉस्ट स्ट्रीम और वाटर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं. बट सरफेस कंडेंसर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं और वो ट्यूब्स जो होती हैं उनमें वाटर फ्लो करता है और जो फर्दर हमारे पास एयर स्ट्रीम होती है, जो एग्जॉस्ट स्ट्रीम होती है वो अलग से एंटर करती है, वाटर अलग से होता है ट्यूब्स के अंदर जो कि एयर स्ट्रीम्स को कंडेंस करता है और जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कंडेंस होकर वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं, हमें फ्रेश एयर मिलती है. ओके, अब इनकी वर्किंग कैसे है आप वो देखोगे आगे. ठीक है, मैं अभी वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से. देखो यहाँ पे इसमें दिखाया गया है डायग्राम में आपको, कि ये कौन से डायग्राम में आप देखेंगे इसे, कि कैसे ये हमारे पास क्या है, मेटल ट्यूब्स लगी होती हैं बीच में, यहाँ
ये एयर पॉल्यूटेंट के साथ हम एंटर करते हैं। यहाँ से वाटर ट्यूब्स में वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, फिर यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में उल्टा फ्लो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डबल पास सरफेस कंडेंसर इसलिए कहा जाता है इसको कि इसमें वाटर दो बार फ्लो करता है, ठीक है। इन ट्यूब से मेटल मेटल ट्यूब से वाटर जो है वो दो डबल टाइम फ्लो करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल पास सरफेस कंडेंसर, ठीक है। अब यहाँ से एयर एंटर करेगी, यहाँ पे मेटल ट्यूब्स में वाटर फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे एयर की कंडेंसेशन होगी, ठीक है। कंडेंसेशन होगी जब यहाँ से कंडेंसेट आउटलेट, जो कंडेंसेट होगा वो यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से हमें क्लीन एयर निकल रही है, ठीक है। अब जितना भी हमारे पास कंडेंसेट, मतलब जितना भी हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स थे वो वाटर के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम इसकी वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे आप सब लोग। हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सरफेस कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर में स्टीम एंड कूलिंग वाटर दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही आते हैं, तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से ये कंडेंसेट को हम डायरेक्ट बॉयलर में फीड कर सकते हैं। नाउ ये पूरा वेसल एयर टाइट होता है एंड कास्ट आयरन मटेरियल से बनाया जाता है। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स को पैरेलली कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिनमें से कूलिंग वाटर फ्लो करेगा, एंड यहाँ पर एरो की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, सो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कूलिंग वाटर फ्लो करेगा। नाउ बॉटम पोर्शन में से कूलिंग वाटर को सप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर वाटर इनलेट दिखाया गया है, सो वाटर इस तरह से इनलेट करेगा इस बॉटम पोर्शन में एंड देन इस पाइप में से फ्लो करेगा, एंड यही वाटर फिर से अपर पोर्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही वाटर का हम दो बार यूज कर पाएंगे हीट को एक्सचेंज करने के लिए, स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। नाउ यहाँ पर क्योंकि एक ही वाटर का हम दो बार यूज कर रहे हैं तो इसे डबल पास सरफेस कंडेंसर कहा जाता है, ओके। एक्सो स्टीम को इन ट्यूब्स के सराउंडिंग में फ्लो किया जाएगा, तो इस तरह से वो स्टीम नीचे के डायरेक्शन में आएगी, एंड ये ट्यूब्स जो कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल से जनरली बनाई जाती है, सो ये स्टील है वो इस स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सो इनडायरेक्टली ये ट्यूब्स हीटअप हो जाएगी, एंड इन ट्यूब्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये कूलिंग वाटर है, जो कूलिंग वाटर है ये ट्यूब्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड कूलिंग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, एंड धीरे धीरे क्या होगा, इस स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, सो नीचे नीचे आते आते एंड ये स्टीम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, एंड हमें प्योर फॉर्म में लिक्विड स्टेट में कंडेंसेट मिलेगा इस स्टीम का, यहाँ पर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी, ओके, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट वे से कूलिंग वाटर एंड इस स्टीम को सप्लाई किया जाएगा, वो दोनों का फ्लोइंग सेपरेटली है, सो यहाँ पर कंडेंसेट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नाउ बेफल की मदद से ये वेसल को दो पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि यही वाटर फिर से नीचे सप्लाई ना हो इसीलिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हीटअप हो चुका होगा, एंड कूलिंग वाटर आउटलेट के थ्रू इस वाटर को बाहर सप्लाई किया जाएगा कूलिंग टावर में, फिर वहाँ पर हीटेड वाटर कूल हो जाएगा, एंड देन फिर से हम उसका यूज़ कर पाएंगे इस स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड इस कंडेंसेट को आगे बॉयलर में फीड किया जाएगा। ये है आपके पास आपका सरफेस कंडेंसर, देख लें ये कैसा दिखता है। इसका सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू जेट कंडक्टर्स सॉरी कंडेंसर्स ज़्यादा रहता है। अभी आप जेट कंडेंसर जब देखोगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि सरफेस कंडेंसर में एज कम्पेयर टू जेट कंडेंसर इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा रहता है इसके वर्किंग के लिए। ये देखेंगे आपके इसमें किस तरह से वाटर और एयर स्ट्रीम जो है वो दोनों अलग अलग रहती हैं, इंटरमिक्स नहीं होती हैं। तो ये था आपके पास सरफेस कंडेंसर। अब आप नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कॉन्टैक्ट कंडेंसर। कॉन्टैक्ट कंडेंसर को ही हम जेट कंडेंसर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वाटर और एयर एक दूसरे के, और किस तरह ये वर्किंग करते हैं वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। ये रहती है इसकी डायग्राम, देखेंगे आप किस तरह इसमें जो स्ट्रीम आती है यहाँ से और वाटर जाता है यहाँ से, और किस तरह यहाँ पे कंडेंसेशन होती है और हमें एक्सट्रैक्शन पंप टर्बाइन होती है इसके थ्रू यहाँ जाती है ये, और हमें एंड पे क्या मिलती है, फ्रेश एयर। ये आप इसकी फंक्शनिंग अभी देखेंगे वीडियो में।
स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो कर रहा है ये, आप यहाँ ध्यान देंगे, ये देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप शो कर रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सर। इसमें वाटर और स्ट्रीम कैसे इंटरमिक्स हो रही हैं, कैसे जब ओवरफ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे तो वाटर नीचे आ रहा है, ठीक है, कैसे ओवरफ्लो वर्क करता है, ओवरफ्लो वॉल वो बता रहे हैं यहाँ पे, कैसे ओवरफ्लो होगा तो वाटर यहाँ से नीचे आएगा, कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है ओवरफ्लो में, ठीक है। सो ये था आपके पास कि हमारे पास जेट कंडेंसर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम कंपेरिजन देखेंगे, हमारे पास सरफेस कंडेंसर्स और जेट कंडेंसर्स में क्या कंपेरिजन। ये अभी जो आपने वीडियोस देखी हैं उसके थ्रू आप जितने भी स्टेप्स ये पढ़ेंगे लिखे हुए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें कि हमारे पास जेट कंडेंसर्स में किस तरह कूलिंग वाटर और स्टीम मिक्स हो जाती है, स्मॉल स्पेस होती है, हमारे पास फ्लोर स्पेस स्मॉल होती है, और किस तरह से कौन सा किस में ज़्यादा पावर चाहिए होती है, किस में लेस पावर चाहिए होती है, वो आप सब देखेंगे इसे, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस कंडेंसर्स, कि सरफेस कंडेंसर्स की एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। देखो सरफेस कंडेंसर में हाई वैक्यूम एफिशिएंसी रहती है, प्योर कंडेंसेट रहता है, उस कंडेंसेट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लो क्वालिटी कूलिंग वाटर कैन बी यूज्ड, इसमें लो क्वालिटी का कूलिंग वाटर भी यूज़ किया जा सकता है, इसका एडवांटेज है। इट अलाउज द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम थ्रू अ हायर प्रेशर रेशियो, इसमें हाई प्रेशर रहता है, ये अभी आप जो आपने डिफरेंसेस देखे उसमें भी है ये पॉइंट, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या रहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें आपको पता है इसमें ट्यूब्स वाटर के लिए अलग से ट्यूब्स बनाई जाती हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है एज़ कम्पेयर टू जेट कंडक्टर्स सॉरी कंडेंसर्स। फिर लार्ज फ्लोर एरिया रहता है, इसमें कॉस्टली मतलब मेंटेन करने में कॉस्टली होगा, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत रहती है। सो ये थे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसी तरह हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जेट कंडेंसर्स के, जिसमें कि एडवांटेजेस क्या हैं कि ये सिंपल इन डिज़ाइन होते हैं, चीपर होते हैं, ठीक है, और इनमें जो सरफेस एरिया होता है वो कम चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या आ गए कि इनमें जो कंडेंसेट मिलता है वो प्योर नहीं होता है और उसे रीयूज़ नहीं कर सकते, और इनकी वैक्यूम एफिशिएंसी जो रहती है वो लो रहती है, ठीक है। ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंडेंसर्स के। तो यहाँ करते हैं आज हम आज का टॉपिक अपना ख़त्म। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस जगह आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई तरीका चेंज करवाना चाहते हो आप लोग जिससे आपको अच्छे से समझ आए आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू।